नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आपका आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद कूपर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, जो हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही थी उसके अंतर्गत हम लोगों ने आपके जो इसके पहले वाले भाग है उस पहले भाग इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने न्यायपालिका पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ पर जो राज्य विधानमंडल है उस राज्य विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। राज्य विधान ठीक है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि आपको हर परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे और आशा है, पूरा विश्वास होता है कि इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग आज इसकी शुरुआत करेंगे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो भाग पांच है भाग पांच के मैंने बारे में आपको बताया था कि जो भाग पांच 148 से आपका 151 है जो उसमें आप लोग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ठीक है उसके बारे में बात की गई है। इसके आगे जो आपका है भाग 6 स्टार्ट होता है ठीक है, 151 के बाद में 152 है तो उसमें फिर राज्यपाल वगैरह वगैरह के बारे में बात की गई है ठीक है, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट विल बी स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। आप लोगों को थोड़ा सा दिख रहा होगा इससे हम लोग थोड़ा सा अस्वस्थ चल रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अस्वस्थता का रीजन कुछ भी हो सकता है ठीक है, उसके बारे में यहाँ बताया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा सा अस्वस्थता चल रही है जरूर। तो चलिए हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो ये जो पार्ट सिक्स है ठीक है, पार्ट सिक्स के बारे में राज्य के बारे में बताया गया जिसमें भी आपका जो राज्य विधानमंडल है ठीक है, उस राज्य विधानमंडल के बारे में आपके 168 से 212 जो अनुच्छेद है इस 212 अनुच्छेद में बताया गया। जिस प्रकार मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का आर्टिकल 79 क्या बताता है, देयर शैल बी अ पार्लियामेंट विच विल बी कंस्टिट्यूट ऑफ अपर हाउस लोअर हाउस एंड प्रेसिडेंट। भारत की एक संसद होगी जो क्रमशः राज्यसभा लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। ठीक इसी प्रकार से जो 168 है 168 आपके जो राज्य विधानमंडल के बारे में बात करता है। आप जैसा जानते होंगे भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में राज्य विधानमंडल आप लोगों ने देखा एक सदनीय व्यवस्था भी पाई जाती है और कहीं कहीं पे आपकी द्विसदनीय व्यवस्था भी है ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, पहली बात तो एक सदनीय व्यवस्था पाई जाती है लेकिन कहीं कहीं पे जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो द्विसदनीय व्यवस्था भी पाई जाती है, उसके बारे में एक एक करके हम लोग जो बात है वो करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 है जो वो क्या बात करता है, थोड़ा सा हम लोग हूबहू जो हमारे संविधान की बुक है उसमें क्या लिखा उसके बारे में चर्चा करेंगे। संविधान अनुच्छेद 168 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक विधानमंडल होगा, विधानमंडल का जो निर्माण होगा विधानसभा एवं राज्यसभा से मिलकर होगा जिसमें द्विसदनीय व्यवस्था है उसमें राज्यपाल विधान परिषद और विधानसभा से होगा। तो जो अनुच्छेद 168 है ठीक है, अनुच्छेद 168 लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा। अनुच्छेद 168 क्या कहता है, अनुच्छेद 168 ये बात करता है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। अब देखिए बात थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर विधानमंडल की बात की जा रही है तो विधानमंडल विधानमंडल का मतलब ही बनाने वाली संस्था, तो ये संस्था हम लोग राज्य स्तर पर बात कर सकते हैं तो ये एक सदनीय भी हो सकती है और या कहीं कहीं पर आप देखेंगे द्विसदन। अभी वर्तमान में 6 जो राज्य हैं वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था आपके पाई जाती है वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए आप देखेंगे जिसमें आपके क्या होगा विधानमंडल में ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा ठीक है, विधानमंडल में आपकी विधानसभा होंगी आपकी राज्यसभा होगी सॉरी
विधानसभा, विधान परिषद, और आपके क्या होगा, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल को कभी कभी लोग भूल जाते हैं, लेकिन राज्यपाल के बिना विधानमंडल अधूरा है। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाए तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं दुई सदनीय व्यवस्था पाई 1937 से ही, जो अनवरत रूप से तब से विधानमंडल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में है। तो अगर द्वि सदनीय व्यवस्था की बात करें, यानी विधानमंडल में दो सदन कहाँ पर हैं, यानी विधान परिषद कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है, इसको आप विधान परिषद लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, विधान परिषद। ठीक है, तो पहला आप कहाँ पाएंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश सटा आपका बिहार, ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक, यानी कुल छह जो राज्य है वहां द्विसदनीय व्यवस्था। अभी आप जान रहे होंगे जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में भी ये बात चल रही है कि जो सदन है उसको दो सदनीय व्यवस्था की जाए, यानी कि आपको वहां पे विधान परिषद होना चाहिए। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल की बात करता है, 169 है वो यही विधान परिषद, यानी विधान परिषद के उत्सर्जन और सृजन के बारे में बात करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, थोड़ा देख ले। निर्माण या उत्सर्जन की बात किया गया है कि वह निर्माण और उत्सर्जन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले राज्य द्वारा विधानसभा को दो तिहाई बहुमत से विधान परिषद के गठन तथा उत्सर्जन का संकल्प पारित कर संसद के पास भेजा जाता है। ठीक है, विधानसभा के द्वारा दो तिहाई बहुमत से। अगला हम लोग बात करते हैं विधान परिषद की संरचना की। अगर हम लोग, अब देखिए ये हो गया 168, 169 और 170 है, उस 170 में जो विधानसभा है उस विधानसभा के बारे में व्यवस्था की गई है। चलिए अब देखिए 171 जो है आपका, 170 यहां तक हो गया। अब देखिए विधान परिषद, ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों ने देखा अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं 169, यानी जो ये है इसमें क्या है, विधान परिषद निर्माण व उत्सर्जन अनुच्छेद 170 की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर विधानसभा के बारे में बात की गई है, विधानसभा की संरचना। अनुच्छेद 171 है उसमें विधान परिषद की संरचना, ठीक है। अब देखिए विधानसभा के बारे में सब जानते हैं, विधानसभा क्या होती है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव होता है। आप जानते हैं अगर आप स्पेसिफिक रूप से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में 403 अभी विधान सभा में सदस्यों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 60, 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है। हालांकि इसके आपको कई जगह अपवाद भी देखने को मिलेंगे, अभी आपके चुनाव हुए थे उस चुनाव के माध्यम से भी चीजों को आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए चुनाव की जो विधि है आप जानते होंगे, जो भी व्यक्ति जिन्होंने जो कि 18 वर्ष से आयु पूरी कर चुके हैं वो विधानसभा के चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं। साथ ही साथ यह व्यवस्था भी की गई है कि जो आपके साथ ही साथ जो विधान परिषद का जो सदस्य है, सॉरी विधानसभा का सदस्य है, उस विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो आपके पास में उम्र की सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, यदि आप 25 वर्ष ठीक है बिलोंग करते हैं, सॉरी 25 वर्ष के हो गए हैं तो आप विधानसभा का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो विधान परिषद की संरचना है यह संरचना थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इसमें क्या सिस्टम है, इसमें सिस्टम कुछ इस प्रकार से है कि आप देखते होंगे इसको हम लोग उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग विधान परिषद की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो हम लोग इसको उच्च सदन कहते हैं,
इसमें किस प्रकार से जो व्यवस्था वो अपनाई गई है उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें कुछ इस तरह से बात करिए, देखिए 1/3 पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जो 1/3 सदस्य हैं उनका जो निर्वाचन होता है, आप जानते हैं कि हम लोगों ने त्रिस्तरीय व्यवस्था अपना रखी है। उस त्रिस्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत आप जानते होंगे आपके यहाँ नगर पालिका भी होती है, इसके अतिरिक्त कुछ जिला बोर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसके सदस्य इन सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय संस्थाओं, नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड आदि के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों द्वारा, ठीक है, स्थानीय निकाय, प्लस जिला बोर्ड, इसके अतिरिक्त 1/3 विधानसभा सदस्य। इसीलिए आप जानते होंगे, ठीक है, आप जानते हैं, हालांकि इसका जो ये तो पहले बात एक स्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। हटा मतलब भंग करने का मतलब ये है कि खत्म किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार भंग हो। जैसे आप देखते होंगे अगर आप विधानसभा के बारे में बात करें तो हर 5 साल बाद में जो सदस्य होते हैं उनका आमूल चूल परिवर्तन, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चेंज। इसमें क्या होता है, इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, प्रत्येक 2 वर्षों पर जो 1/3 सदस्य हैं वो आपके रिटायर्ड हुआ करते हैं। तो चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं जिसको 1/3 सदस्य होते हैं विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए 1/12 जो होते हैं राज्य में रहने वाले, देखिए होता क्या है कि 1/12 जो होते हैं वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो राज्य में रह रहे हैं और जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक किया है। ठीक है, एक बात ध्यान देंगे, 1/12, ठीक है, अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। 1/12 तो 1/12 जैसे मान लीजिए आपने स्नातक कर लिया और आपको स्नातक के 3 साल से अधिक हो गए हैं, तो आप इनमें चुनाव मतलब इनका जो चुनाव होता है विधान परिषद के सदस्यों का, इन चुनाव में आप क्या करते हैं अपनी सहभागिता निभा सकते हैं और आप अपना वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 1/12 होते हैं ऐसे जैसे जो टीचर्स होते हैं, कुछ ऐसे टीचर्स जो कि आप जानते होंगे हायर सेकेंडरी या उच्च शिक्षा संस्था, हायर सेकेंडरी मतलब जो 8 के ऊपर हो गया उसमें पढ़ा चुके, उससे मतलब उससे ऊपर, ठीक है, पढ़ा चुके हैं और उनके पढ़ाने का अनुभव 3 साल से अधिक हो, वो इसमें क्या होते हैं इनके चुनाव में भाग लेते हैं। और बाद बाकी बचता है आपका 1/6, जो 1/6 सदस्य होते हैं उनका जो एक हिसाब से मनोनयन होता है वो किसके द्वारा होता है, राज्यपाल के द्वारा होता है, जो कि कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा एवं सहकारिता, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा, ठीक है, पूछ लेता कभी कभी तो ध्यान रखना है, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा एवं सहकारिता, ठीक है, इससे जुड़ी होगी। तो ये आपके क्या होता है राज्य विधान परिषद के बारे में। फिर से एक बार देखिए याद कर, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6। अब देखिए 1/3, ठीक है, जैसे आपको मालूम होगा आपके यहाँ कुछ लोकल बॉडीज होंगी उसके द्वारा प्लस विधानसभा सदस्य के द्वारा। 1/3 क्या होगा, आपने स्नातक कर लिया है, ठीक है, और स्नातक करे 3 वर्ष हो गया है। 1/12 क्या होगा, ठीक है, हायर सेकेंडरी या उसके ऊपर उच्च शिक्षण संस्थानों में है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं और उनके पास में 3 साल से अधिक जो वर्ष है 3 साल से अधिक उनको पढ़ाने का अनुभव है। फिर उसके बाद में 1/6 कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा और जो सहकारिता है इन क्षेत्रों से आपके जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप बात करेंगे तो ये आपकी टोटल संरचना होती है जिसके अंतर्गत 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 और 1/6 ये आपकी विधानसभा की संरचना होती है। ठीक है, आप जान रहे हैं कि जैसे पहले आपको मालूम होगा कि एंग्लो
जो रिप्रेजेंटेशन होता था एक उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, ठीक है, एक उत्तर प्रदेश, ठीक है, आंग्ल एंड लोन लिया, जिसको हम लोगों ने 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक, हालांकि ये 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, विधेयक, इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, अब आगे बात करेंगे 332 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा की सदस्यता के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की राज्य जनसंख्या के अनुपात के अनुसार यह आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 332 में आप जानते हो एससी एसटी के लिए जो प्रोविजन है उसका, उसके बारे में आपको दिया गया है। ठीक है, अवधि आप जानते हैं 5 साल होती है। अब देखिए, अब जो विधानसभा का सत्र होता है, ठीक है, आप ध्यान देंगे सत्र, सत्रावसान तथा विघटन, ये तीन बहुत पूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग थोड़ा सा देखेंगे। आपको मैंने बताया जो अनुच्छेद 332 है, उस अनुच्छेद 332 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों को राज्य विधानसभा में आरक्षण का प्रस्ताव, जो अनुच्छेद 333 के तहत आपकी व्यवस्था की एंग्लो इंडियन की, उसको हालांकि अब क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और बात करेंगे कि सत्र, सत्रावसान तथा विघटन, सत्र सत्रावसान तथा विघटन, ठीक है, सत्र, सत्रावसान तथा विघटन। अब देखिए आप क्या होता है सत्रावसान, देखो सत्र का अवसान, सत्र को मतलब स्टार्ट करना, सत्र को खत्म करना और इसके बाद सत्र का विघटन, तीनों अलग अलग टर्म्स है, तीनों के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, हम लोग एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। पहले बात देखेंगे सत्र, सत्र आहूत करना। अब देखिए सत्र आहूत कौन कराएगा, ठीक है, आप देखिए अगर हम लोग केंद्र स्तर पर बात करते हैं तो आप राष्ट्रपति की बात करेंगे, अगर यही हम लोग राज्य स्तर पर बात करेंगे तो राज्य स्तर पर आपका देखेंगे जो ये काम है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे अनुच्छेद 174 ए के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान अधिवेशन के लिए बुलाएगा जिसे वह उचित समझे। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का अभिभाषण होता है, ठीक है, राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से जो सत्र होता है उसकी शुरुआत करती है, यानी अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानसभाओं के चुनाव के पश्चात पहले सत्र की शुरुआत तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत के अवसर पर विधानसभा को, ठीक है, संबोधित करेगा, ठीक है, यानी अनुच्छेद 176 है उसमें राज्यपाल का अभिभाषण, ठीक है। अब एक देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अब देखिए सत्र आहूत करना, तो सत्र आहूत करने की भी जिम्मेदारी किसकी है, राज्यपाल की है, ठीक है। अभिभाषण 176 में अभिभाषण क्या होता है, जब नई नई विधानसभा चुनती आती है तब, और उसके बाद में क्या होता है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें जब पहला सत्र आहूत करना होता है तो उसमें भी क्या करता है राज्यपाल, जहां पर आपका एक सदनीय है वहां पर विधानसभा में, और जहां पर दो सदनीय है वहां पर दोनों में शुरुआत, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत पर विधानसभा को संबोधित करेगा, प्रत्येक वित्त वर्ष की शुरुआत पर राज्यपाल संबोधित करेगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि स्थगन, स्थगन को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट, ठीक है। आप देखिए सत्र हो गया, सत्र को आहूत कौन कराएगा, सत्र को आहूत आपके राज्यपाल करेंगे, स्थगन, स्थगन और सत्रावसान दोनों दो अलग चीज, सदन को स्थगित करने की शक्ति जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके पास होती है, ठीक है। स्थगन मतलब होता है कुछ समय के लिए रोकना, हम कहते हैं इन चीजों को हम लोग स्थगित कर देते हैं। तो अब देखिए अगर आप शब्द का जो मूल अर्थ है उस शब्द के मूल अर्थ को समझेंगे तभी भी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं।
तो सदन को स्थगित करने की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होती है। स्थगन द्वारा सदन की बैठक को कुछ मिनटों, घंटों या कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा सकता है। अब देखिए 17 अवसान, देखिए स्थगन पीठासीन अधिकारी, ठीक है, 17 हो किसके द्वारा होगा, मैंने आपको बताया राज्यपाल। अब देखिए 17 अवसान, अब दिमाग थोड़ा लगाएगी, 17 अवसान किसके द्वारा होगा, 17 अवसान सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा घोषित होता है। जाहिर सी बात है जब सत्र की शुरुआत वो कर रहा है तो 17 अवसान भी तो करेगा, ठीक है। एक बार जब एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो उसके ड्यूरेशन में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो तो जो पीठासीन अधिकारी है उसके द्वारा क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग और जो एंड होगा वो आपको कौन करेगा, वो आपका राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्यपाल, देखिए क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो चीजें यहाँ राज्यपाल के द्वारा की जाएगी सेम चीजें सेम प्रोसेस वही आपके राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो 17 अवसान, अब देखिए विघटन, जहां एक तरफ 17 अवसान सदन के एक सत्र को समाप्त करना है, ठीक है, वहीं पर क्या है विघटन, सदन को ही समाप्त कर देना, यानी सदन को विघटित कर। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा के विघटन की शक्ति राज्यपाल को है, ठीक है, यानी ये आपका विघटन हो गया। राज्य, ठीक है, तो यहां तक चीज सब, ठीक है, सिर्फ एक चीज आप देखिए स्थगन, स्थगन मतलब थोड़े समय के लिए कुछ दिन, सॉरी कुछ मिनट घंटों या कुछ दिनों के लिए सदन को स्थगन करना। आहूत कौन करेगा, ठीक है, अनुच्छेद 1 के तहत सदन को आहूत भी क्या करेंगे, राज्यपाल, यानी कि 174(1) के तहत राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान अधिवेशन के लिए बुलाएंगे जिसे वह उचित समझे, ठीक है। और स्थगन जो है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा करता। तो चलिए एक बार क्लास को खत्म करने से पहले आज हम लोगों ने क्या पढ़ा उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आज हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने बताया अनुच्छेद 168 से, ठीक है, 212 के बीच में हम लोगों ने बात की, जो आपका राज्य विधानमंडल है उस राज्य विधानमंडल के बारे में चीजें दी हुई है। उसके आगे हम लोग बढ़े तो हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल के बारे में बात करता है और यह बताता है राज्य विधानमंडल जहां पर एक सदनीय व्यवस्था है वहां पर विधानसभा, इसके साथ ही साथ में विधान परिषद तथा राज्यपाल से मिलकर बनेगा। 169 में आपका जो विधान परिषद है उसके विधान परिषद के उत्साधन या सृजन के बारे में है। 170 में आपके विधानसभा की संरचना के बारे में है। 171 में विधान परिषद की संरचना के बारे में है। उस विधान परिषद की संरचना में अगर आप देखेंगे तो 1/3, 1/3, ठीक है, 1/6, 1/6 और आपके 1/12 है, ठीक है। 1/3 जो है वो आपके ऐसे लोगों के क्या कहते हैं, 1/3, 1/3, 1/12 और 1/6, 1/12, 1/12 और 1/6। 1/3 क्या होता है स्थानीय निकायों के द्वारा होते हैं, 1/3 क्या होता है राज्य विधानसभा के द्वारा होते हैं, 1/12 आपने स्नातक कर लिया है 3 साल हो गए हैं, 1/12 आपके स्नातक के बाद आप टीचर हैं और आप हायर सेकेंडरी से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, आपके पास में 3 साल से अधिक वर्षों का अनुभव है। 1/6 के अंदर, ठीक है, कला साहित्य विज्ञान और इसके साथ ही साथ में जो सहकारिता विभाग है इससे राज्यपाल रहते हैं वो मनोनीत करते हैं। इसके बाद हमने बताया सत्र, सत्र को आहूत करना, ठीक है, यानी सत्र को चालू करना और सत्रावसान ये भी क्या है राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं, जबकि केवल स्थगन जो होता है वो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और विघटन भी राज्यपाल, आप ये मान के चलिए केवल स्थगन जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके द्वारा किया जाता है, बाकी जितनी भी एक्टिविटी होती है वो आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये थी हमारी वीडियो, हम लोग पॉलिटी के लास्ट अंतिम स्टेज पे चल रहे हैं ये मान के चलिए। ये थी हमारी वीडियो, आशा है नहीं पूरा विश्वास होगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।